अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला इतने सालों से लटक रहा, इतने सालों से लटकता रहा, इसका समाधान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये मसला शांति से सुलझना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? सत्य के मार्ग पर सबको चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था? लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वही काम करते थे जिसमें उनकी राजनीति की रोटियां सेकते रहे, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका हल कांग्रेस और उसके साथी कभी नहीं चाहते थे। लटकाना, भटकाना, इसी में उनकी राजनीति की खिचड़ी पकती थी। वो राजनीति करते रहे, सबको डराते रहे और देश अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार करता रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम राष्ट्र नीति पर चले और अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता आज साफ हो गया। भाइयों बहनों, कहीं कोई तनाव हुआ क्या? कहीं कोई तनाव हुआ क्या? कोई दंगा हुआ क्या? मारपीट हुई क्या? शांति से हुआ कि नहीं हुआ? देश में सब काम शांति से होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब मोदी शांति से सब करने के लिए कोशिश कर रहा है तो उनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आर्टिकल 370 को लेकर भी इन्होंने यही डर दिखाया, अगर 370 को हाथ लगाए गए तो करंट लग जाएगा, करंट बवाल हो जाएगा, देश का टुकड़ा हो जाएगा, यही बोलते थे ना, यही डर दिखाते थे ना। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाव को बढ़ने दिया, आतंकवाद बढ़ने दिया, वहां से पंडितों को निकाले गए, ये देखते रह गए लेकिन निर्णय नहीं किया, फैसला नहीं लिया। आपने जब इस सेवक को फिर आदेश दिया तो आर्टिकल 370 भी निकाल गया और शांतिपूर्ण तरीके से आज कश्मीर आगे बढ़ने लग गया। साथियों, आपने इस डर को, इस छल को नकार दिया। पूरे देश ने इस कांग्रेस और उसके साथियों की नकारात्मक सोच को ही नकार दिया। लेकिन साथियों, लोगों को डराने को, झूठी बातें फैलाने को उन्होंने अपनी राजनीति का आधार बना दिया है। जनता की सेवा करके राजनीति नहीं कर सकते, झूठ फैला करके ही, डर का माहौल पैदा करके ही भी अपनी राजनीति करने की आदत अभी भी उसी के भरोसे चल रहे हैं। अब देखिए,